नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के उस बयान के बारे में जो उन्होंने नीतीश कुमार के दोबारा महागठबंधन में शामिल होने के लिए कही। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 पर जीत हासिल करने के बाद जश्न की बजाय एनडीए यानी भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बीच झगड़ा शुरू हो गया है। दोनों ही दल के वरिष्ठ नेता, मंत्री और प्रवक्ता लगातार एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति में उलटफेर होने के बड़े संकेत मिलने लगे हैं। सुखबुगाहट हो रही है कि 2015 की तरह एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस एक होकर बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। मालूम हो कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के महागठबंधन ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया था। भाजपा की करारी पराजय हुई थी और महागठबंधन की शानदार विजय हुई थी। बीच में ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम लिया था। लेकिन अब जैसे जैसे रस्सा कसी और तनाव बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बड़े नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल की वरिष्ठ नेता राबड़ी देवी का नीतीश कुमार को लेकर एक चौंकाने वाला बयान आ गया है। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार वापस महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसका फैसला महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेता बैठकर करेंगे। राबड़ी देवी ने कहा कि अगर पहल नीतीश कुमार और जदयू की ओर से हुई तो हम जरूर इस पर विचार करेंगे। इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी कहा था कि भाजपा को हराने के लिए सभी गैर भाजपाई दलों को एक मंच पर आना ही चाहिए। तो वहीं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सांसद मनोज झा भी कह चुके हैं कि राजद और जदयू में वैचारिक समानता है। अब जब इस तरीके के बयान सामने आने लगे हैं तो माना जा सकता है कि बिहार की राजनीति में आपको जल्द ही कोई नया रंग देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।